लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहा है। लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ है। 2018 में हुई 49,568 पदों की भर्ती, 31,360 सिविल पुलिस इसमें शामिल है, पीएससी इसमें शामिल है। यूपी पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 2018 में हुई थी 49,568 पदों पर सिपाही भर्ती, इसका रिजल्ट आया है। 18,208 पीएससी सिपाही पद पर हुई थी भर्ती। ২০০৮ में हुई भर्ती का रिजल्ट 49,568 पदों पर सिपाही भर्ती का रिजल्ट आया है। 31,360 सिविल पुलिस इसमें है, 18,208 पीएससी इसमें, जिसकी भर्ती 2018 में हुई थी। यूपी पुलिस में सिपाही भर्ती का रिजल्ट हो जाएंगे और पीएससी पूर्णतया हाउसफुल रहेगी। सिविल पुलिस में भी अभी तक हम लोगों ने टोटल 88,298 इस रिजल्ट को मिला के भर्ती कर चुके हैं। इस प्रकार अगर आप टेबल में देखें तो पूरी भर्ती प्रक्रिया में अभी तक हम लोगों ने 1,37,253 लोगों की भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें 1,657 मृतक आश्रित हैं। एक भी मृतक आश्रित की वैकेंसी जो हमारे पास डीजी ऑफिस से आई थी उसमें कोई भी पेंडिंग नहीं है, और प्रायोरिटी के तौर पर जैसा गवर्नमेंट चाह रही थी इस बोर्ड ने सभी के सभी जितनी पेंडिंग मृतक आश्रित की भर्तियाँ थी उनको पूर्ण कर दिया है। मृतक आश्रित के अलावा इसमें जो डायरेक्ट मार्केट से 1,35,596 लोग भर्ती किए गए हैं। आपके संज्ञान में मैं लाना चाहूँगा कि इस भर्ती प्रक्रिया में 31,360 जो पोस्ट सिविल पुलिस की थी इनमें ओपन कैटेगरी में 1,561, ओबीसी में 8,467, एससी में 6,585 और एसटी में 627। इस प्रकार टोटल ही जितनी गवर्नमेंट ने एडवर्टाइज़ किया था उसके हिसाब से टोटल भर्तियां पूर्ण की जा चुकी हैं। पीएससी में भी 18,208 भर्तियों के अगेंस्ट भी हम लोगों ने सभी भर्तियां, सभी पोस्ट फिल कर दिया और एक भी पोस्ट वैकेंट नहीं है। जहां तक सिविल पुलिस का प्रश्न है, 31,360 में मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि 5,900 ऑलमोस्ट 6,000 हमारी बेटियाँ इस फोर्स को ज्वाइन करेंगी, और उनके लिए बहुत स्पेशल रूप से बधाई है कि वो हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के बेड़े का अंग बनेंगी। इस भर्ती में 23 लाख आवेदन आए थे, जिसमें परीक्षा के बाद हम लोगों ने जो रिजल्ट निकाला उसके बाद DVPST के लिए 1,23,000 लोगों को बुलाया गया था, और इस 1.23 लाख में लगभग 58,000 लोगों ने रनिंग पास किया, जिसमें 49,568 का रिजल्ट जारी किया जा रहा है, और लगभग 9,000 लोग इसमें मेरिट से कम अंक पाने के कारण सेलेक्ट नहीं हुए हैं। विस्तृत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सिविल पुलिस में 311, भूतपूर्व सैनिक 1,273, होमगार्ड पदे रिक्त हैं, वो इसलिए रिक्त हैं कि सफिशेंट संख्या में इस हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में कैंडिडेट्स नहीं उपलब्ध थे। कोई भी रिक्त पद नहीं है, लेकिन जो इनमें रिक्त थे वह मार्केट ओपन रिक्रूटमेंट से भर लिए गए हैं, तो टोटल ओवरऑल पोस्टें कोई खाली नहीं है। आपके संज्ञान में ये भी लाना चाहूँगा, इस टोटल 49,500 प्लस पोस्टों में 1,809 कैंडिडेट्स उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं, और बाकी 47,759 कैंडिडेट्स उत्तर प्रदेश के अंदर के हैं। हमने इस जो सिलेक्टेड 47,759 कैंडिडेट्स हैं इनका डिस्ट्रिक्ट वाइज भी ब्यौरा दिया हुआ है इसमें कि किस डिस्ट्रिक्ट से कौन कौन सेलेक्ट हुए हैं, और मुझे अत्यंत खुशी है कि लगभग पूरे ही सभी जनपदों से लोग सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें जो जनपद जहां से काफ़ी संख्या में लोग सेलेक्ट हुए हैं उनमें प्रयागराज, बलिया, कानपुर नगर, गोरखपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, आगरा, गाजीपुर, सहारनपुर, फिरोजाबाद इत्यादि हैं। बाकी अगर आप, मैंने पूरे 75 जनपदों का टेबल में दिया हुआ है डिटेल विवरण, आप एनालिसिस कर सकते हैं, और जो सिलेक्शन प्रोसेस है काफ़ी वाइड स्प्रेड ईस्ट टू वेस्ट नॉर्थ टू साउथ है सभी 75 जिलों में। आपके संज्ञान में मैं ये भी लाना चाहूँगा कि हमारे पास
बायोमेट्रिक सिस्टम लेने की पूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें हम रिटर्न के समय बायोमेट्रिक लेते हैं, उसके पश्चात जब कैंडिडेट DVPST के लिए आता है उस समय बायोमेट्रिक लेते हैं, जब वह दौड़ने के लिए आता है तब दो बार बायोमेट्रिक लेते हैं। इस प्रकार हमारे पास चार बायोमेट्रिक होती है। लगभग 100 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनके खिलाफ FIR कायम की गई है और जेल भेजा गया है, क्योंकि वो इम्पर्सोनेशन केसेस में इन्वॉल्व थे, उनकी जगह एग्ज़ाम में कोई और देने के लिए एग्ज़ाम आया था। इस भर्ती प्रक्रिया में भी हमने 16 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका फाइनल रिजल्ट से बाहर किया है। 49,568 में 16 के अलावा सभी के फिंगरप्रिंट परफेक्ट हैं। केवल 16 ऐसे लोग हैं जो मेरिट में आ रहे थे लेकिन उनके फिंगरप्रिंट्स मिसमैच हैं,